नमस्कार, मैं अमित कुमार। रूट प्लान के तहत मोबाइल साइंस वैन पहुंच चुकी है जिला अंबाला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेन ब्रांच अंबाला कैंटीन। हमारे साथ विद्यालय के प्रिंसिपल सर मौजूद हैं। आइए जानते हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को देखा और उनके क्या विचार हैं इनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैंने जो ये आज हमारे स्कूल में साइंस वैन आई है, इसमें सबसे पहले मैंने वैन का ब्यौरा इसमें देखा और उसके बाद जो है मैंने इनका मुआयना किया। इसके अंदर जो मैंने देखा, इसमें जो एग्जिबिट थे वो बहुत ही अच्छे एग्जिबिट हैं, जिसमें बच्चों को सीखने के लिए जो है बहुत कुछ मिला और बच्चों ने बहुत ही उत्सुकता से इस प्रोग्राम को देखा और बहुत समझा और विज्ञान की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ग्रहण किया और एक्टिविटीज़ को समझा, जिससे कि 9वीं और 10वीं कक्षा या 7वीं या 8वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इतना कुछ सीख लिया है कि वो अपने एग्ज़ाम में, अपनी परीक्षा में उसको अच्छी तरह जो है ला सकते हैं और अपना जो परीक्षा परिणाम है उसके माध्यम से साइंस का उसमें उत्थान कर सकते हैं। और जो ये हमारी पास स्कूल में जो टीम आई है, इन्होंने भी हमारे बच्चों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करवाए और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया कि विज्ञान की एक्टिविटीज़ और डेली लाइफ के अंदर जो है विज्ञान का क्या महत्व है और डेली लाइफ के अंदर जो है विज्ञान की क्या सदुपयोग कर सकते हैं हम, और इसके अलावा जितने भी एग्जिबिट थे उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जो है जानकारी दी, जिससे कि हमारे बच्चे जो है बहुत कुछ सीख पाए। धन्यवाद। दिनेश शुक्ला जी पीजीटी साइंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनके इस प्रोग्राम के बारे में उनके विचार। जो आपने कॉन्वॉय के रूप में ये जो साइंस सर्कस के रूप में बच्चों के सामने प्रदर्शित किया, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने सर्कस के माध्यम से जो आपने एग्जीबिशन बच्चों को दिखाए 6ठी से लेकर 8वीं तक, वो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और इतना अच्छा प्रयास है कि हमारे कई बार विद्यालय में कई बार हम किसी व्यस्तता के कारण हम लोग वो नहीं कर पाते जो आपने दिखाया। तो ये जो आपकी मोबाइल है, मोबाइल जो है साइंस आपकी जो स्पॉन्सर्ड बाई हरियाणा गवर्नमेंट जो है साइंस DSC द्वारा, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और बच्चों ने बड़े, मैं देख रहा था, बच्चों ने बड़े ही आनंद पूर्वक इसका आनंद उठाया। और जो आपके कॉन्वॉय के मेंबर्स थे, जो ट्रेनर्स थे, उन्होंने भी 9th और 10th में जाके उन एग्जिबिट्स को एक प्रैक्टिकल शेप दी, जो कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें विद्यालय स्तर पर हमारे अध्यापकों द्वारा भी होनी चाहिए और एक ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, तो इन प्रयासों को जारी रखना चाहिए आपको। मेरा तो ये है इच्छा कि ये जो आपकी मोबाइल जो है साइंस लैब जो एक मोबाइल के रूप में ही है, और ये एग्जीबिशन जो आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं थ्रू मॉडल्स और एग्जीबिशन, ये हर विद्यालय में जानी चाहिए। हर बच्चे को हरियाणा के विद्यालय में ये देखने का मौका मिलना चाहिए, ताकि उसको एक अपनी इनोवेशन इस चीज़ को देखते हुए, ताकि मैं क्या कर सकता हूँ उसमें जो चीज़ जागृत हो वो आ जाए। और ये अगर ये प्रयास होता है तो आपका कॉन्वॉय इसमें सफल है। तो मेरा सिर्फ कहने का ये प्रयास है कि आज हमने आपको, आप हमारे विद्यालय में आए, आपका स्वागत है, हमें बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया, बच्चों ने इतना एंजॉय किया कि खेल खेल में वो साइंस की बहुत चीज़ें सीख गए। और मैं अपनी ओर से और अपने विद्यालय की तरफ से, अपने प्रधानाचार्य जी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर आगे भी ये प्रयास आप जारी रखें तो मैं फिर आपको अपने विद्यालय में आमंत्रित करता हूँ कि हमारे विद्यालय में आए, हमारा विद्यालय आपके लिए खुला है, बच्चों की वेलफेयर के लिए हम आपके सामने हर समय मौजूद हैं और हम प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेन ब्रांच से हूँ और मेरा नाम है सुखविंदर कौर। आज हमारे स्कूल में साइंस लैब जो मोबाइल लैब है वो आई थी, तो मैंने इनका न्यूटन के 3 लॉज जो सिखा रहे थे सर, मैं इसे डिसिप्लिन के लिए वैसे गई वहाँ पे, मैंने सुने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सरकार ने कितने अच्छे एफर्ट्स किए इन बच्चों के लिए। और मतलब सुन के ना मुझे लगा कि हाँ, इतने अच्छे से अगर हमें हमारे टाइम में बताया होता ना तो हम भी आज साइंटिस्ट बने होते। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से इनको सुना और जो टीचर्स समझा रहे थे ना, तो उनका भी मुझे बहुत अच्छा वे ऑफ टॉकिंग और बताने का तरीका मतलब बहुत अच्छा था कि मुझे समझ आया। बच्चों ने भी बड़े इंटरेस्ट से दिया उसको रिस्पॉन्स, और बच्चे और भी अच्छा सीखना चाह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि और भी हमें प्रयोग समझाओ सर। मतलब इतने इंटरेस्ट से, मैंने, मुझे ये लग रहा था कि इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, इसीलिए मैं गई थी, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे साइंस का कोई है इंटरेस्ट। लेकिन मैंने वहाँ पर जाके एक बार खड़ी हुई तो मैं शॉक्ड रह गई और वहीं रही जब तक इनका 3rd लॉ कंप्लीट नहीं हुआ, और मुझे भी बहुत अच्छे से समझ आया। मतलब थैंक यू।
माय नेम इज़ वंदना, आई डिड इन 9th क्लास। आज जो हमारे स्कूल में विज्ञान बस आई है, हमें बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, हमें हमारे सिलेबस से रिलेटेड थे जो उन्होंने हमें क्वेश्चंस करवाए, और मैं चाहती हूँ कि बार बार ये बस हमारे स्कूल में आती रहे और मैं आगे बढ़ते रहें। और ये इन्होंने आज बहुत अच्छा समझाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो इन्होंने पानी गायब करने वाला सिखाया और शरीर के बारे में भी बहुत कुछ बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। माय नेम इज़ स्नेहा, आई रीडिंग 10th क्लास। हमारे स्कूल में एक विज्ञान बस आई थी जिससे हमें सीखने का बहुत कुछ मिला। मैं चाहती हूँ ये विज्ञान बस बार बार हमारे स्कूल में आए ताकि इनसे हमें कुछ सीखने में अच्छी चीज़ें मिले। थैंक यू।